यदि आप 10 से 15,000 के बीच में एक अच्छा स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम डील बताए हैं वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये काफी बेस्ट ऑफर्स के साथ और बेस्ट टीवी आपको 10 से 15,000 के बीच में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, आपको इनमें से एक टीवी तो पक्का पसंद आएगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 5 पे आता है रेडमी की तरफ से ये मॉडल, और ये आता है 32 इंच डिस्प्ले के साथ, और इसमें आपको मिलता है 720p रेजुलेशन, और ये आता है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और वाईफाई की बात करें तो इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट मिलता है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है। और साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा 2 USB पोर्ट और ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है, और साथ ही आपको इंटरनेट का भी सपोर्ट मिलता है। और ये आता है 3.5mm ऑडियो जैक के साथ। और बात करें इसकी साउंड की तो इसमें आपको मिलता है 20 वाट का आउटपुट स्पीकर, जो कि डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है। इसमें आपको काफी अच्छा लाउड देखने को मिलता है। इस टीवी में आपको काफी सारे एप्स का भी सपोर्ट है, जैसे प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, यूट्यूब है, और साथ ही इसमें आपको ऐप स्टोर में 12,000 प्लस ऐप का भी सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। और साथ ही इसमें आपको रिमोट आता है, वो भी वॉइस असिस्टेंट के साथ, और इसमें आपको एलेक्सा का भी सपोर्ट मिलता है। ये आता है 1 GB रैम के साथ और 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और साथ ही इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी मिलती है। तो बात करें इसके प्राइस की तो ये आपको अभी 11,490 रुपया में आपको ये मिलता है, और कार्ड वगैरह लगा के आपको और भी 1-2 हज़ार का डिस्काउंट इसमें आपको मिल जाएगा। बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे आता है MI का ये मॉडल। बात करें इसके डिस्प्ले साइज की तो इसमें आपको मिल जाएगा 32 इंच का डिस्प्ले, जो कि 720p रेजुलेशन के साथ आता है, और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ है, और डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट है, और साथ ही इसमें आपको 2 USB पोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 है, और इंटरनेट केबल का भी सपोर्ट है। बात करें इसके स्पीकर की तो इसमें आपको मिलता है 20 वाट का आउटपुट स्पीकर, जो कि डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है। और ये काफी अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ आता है, और साथ ही आप स्क्रीन मीटिंग भी कर सकते हैं, और इसमें आपको मिलता है 1.5 GB रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज। ऐप सपोर्ट की बात करें तो इसमें आपको मिलता है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और भी कई सारे ऐप का सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। वॉइस कंट्रोल है और गूगल असिस्टेंट के साथ आता है, और इसमें आपको मिल जाएगा 1 साल की वारंटी। और बात करें इसके प्राइस की तो अभी ये आपको मिल जाएगा 11,990 में, और ऑफर्स के डिटेल के लिए आप जा सकते हैं अमेज़न पे, वहां पे आपको अप टू 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पे है एसर का ये मॉडल, और बात करें इसके स्क्रीन साइज की तो ये भी आपको 32 इंच का मिलता है, साथ ही 720p रेजुलेशन के साथ आता है, और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको मिलता है QLED डिस्प्ले, जो कि HDR10 के साथ आता है। ये आता है 1.5 GB रैम के साथ और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। डुअल वाईफाई बैंड का भी सपोर्ट है, ब्लूटूथ है, HDMI पोर्ट का भी सपोर्ट है, USB पोर्ट आपको 2 मिलता है। तो बात करें इसके साउंड क्वालिटी की तो इसमें आपको मिलता है 30 वाट का आउटपुट स्पीकर, जो कि डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है। इसका साउंड क्वालिटी काफी तगड़ा मिलने वाला है, साउंड में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। और ये आता है 5 साउंड मोड के साथ, स्टेडियम, स्टैंडर्ड, मूवी, म्यूजिक और स्पीच, इन 5 मोड में आप स्विच कर सकते हैं। तो बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें आपको मिलता है गूगल TV, कंटेंट रिकमेंडेशन, वॉच लिस्ट, पर्सनल प्रोफाइल, किड प्रोफाइल, गूगल असिस्टेंट, बिल्ड इन क्रोमकास्ट मिलता है, वॉइस इनेबल मिलता है, स्मार्ट रिमोट के साथ आता है, और हॉट की 4 क्विक एक्सेस के लिए भी आपको इसमें देखने को मिलता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये सारे ऐप सपोर्ट इसमें आपको मिलता है, और भी कई सारे ऐप इसमें आपको मिल जाएगा। 178° वाइड व्यू एंगल के साथ आता है, जिससे कि आपको साइड से भी आप टीवी को देखेंगे तो आपको कोई भी कलर में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही ये आता है 2 साल वारंटी के साथ। और बात करें इसकी प्राइस की तो ये आता है 13,499 में। नंबर 2 पे हमारे पास पैनासोनिक का ये मॉडल, और ये आता है 32 इंच डिस्प्ले के साथ, 768p डिस्प्ले रेजुलेशन के साथ आता है, और ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। बात करें इसके कनेक्टिविटी की तो इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट मिलता है, और सेटअप बॉक्स तो सारे में कनेक्ट कर ही सकते हैं, 2 USB पोर्ट मिलता है और ब्लूटूथ के साथ, और साथ ही इसमें आपको वाईफाई का भी सपोर्ट मिलता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 20 वाट का आउटपुट स्पीकर, जो कि डॉल्बी डिजिटल ऑडियो के साथ आता है, तो इसमें भी आपको साउंड क्वालिटी काफी अच्छा मिलता है। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें आपको मिलता है गूगल TV का सपोर्ट, और साथ ही इसमें आपको कई सारे एप्स का भी सपोर्ट मिलता है,
है, जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, यूट्यूब है, जी फाइव है और भी कई सारे ऐप्स इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। 2K HDR डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें आपको मिलता है 1.5 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज और 1 साल की वारंटी के साथ आता है। और बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको मिल जाएगा 14,490 में। नंबर 1 पे हमारे पास कोडक का ये मॉडल और इसका स्क्रीन साइज है 40 इंच का और ये 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो इसमें आपको मिलता है डुअल वाईफाई, 3 HDMI का पोर्ट और गेमिंग कंसोल भी कनेक्ट कर सकते हैं और सेटअप बॉक्स तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। 2 USB पोर्ट भी मिलता है और ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है और ये आता है इंटरनेट केबल के साथ। बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की तो इसमें आपको मिलता है 30 वॉट का आउटपुट स्पीकर जो कि डॉल्बी डिजिटल प्लस है। इसका साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त आपको मिलने वाला है। और बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट और स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं। सपोर्टेड ऐप की बात करें तो इसमें आपको मिलता है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, G5 और भी कई सारे ऐप का इसमें आपको सपोर्ट मिलता है और गूगल असिस्टेंट के साथ आता है। 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और इसका डिस्प्ले है फुल HD रेजोल्यूशन जो कि HDR को भी सपोर्ट करता है। और बात करें इसके वारंटी की तो इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। बात करें इसके प्राइस की तो ये आता है 15,499 में। तो इन 5 TV में से आपको कौन सा लेना चाहिए? तो यदि आपका बजट 15,000 तक है तो आप नंबर 1 को देख सकते हैं। यदि उतना बजट आपका नहीं है, अगर आपका बजट सिर्फ 10,000 से 12,000 रुपया है तब आप नंबर 4 का टीवी ले सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अच्छा डील हो सकता है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।